Hello everyone, welcome to Digital Era. Now let us learn about the topic that is respiration. Respiration क्या होता है, कहाँ पर होता है, कैसे होता है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में किस वे से होगा, उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे. अभी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे रिक्वायर एनर्जी टू डू वर्क. कोई भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. कोई भी वर्क हम करते हैं तो हम थक जाते हैं, थकने के बाद हमें भूख लगती है बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं रहती है. भूख लगने के बाद में वी कंज्यूम फूड और फूड कंज्यूम करने के बाद में हमारी बॉडी जो है उससे एनर्जी डिराइव करती है और एनर्जी डिराइव करने के बाद में हमारे बॉडी के प्रोसेसेस जो है वो कैरी आउट करेंगे. कोई आपको काम करना है या फिर अपने बॉडी के अंदर कुछ भी अगर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं तो रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए बॉडी को एनर्जी चाहिए. सो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है बॉडी को? सो जो भी फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं वो फूड हमारे बॉडी के अंदर जाता है और बॉडी के अंदर जाने के बाद में वो फूड का ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन होने के बाद में हमारी बॉडी उससे एनर्जी जो है डिराइव करती है. अभी जो भी फूड हम कंज्यूम कर रहे हो, फूड में एनर्जी है स्टोर करके रखा जाता है. और जो फूड कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है, लेट अस कंसीडर कार्बोहाइड्रेट. जो भी फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं उसका एक बेस्ट एग्जांपल है ग्लूकोज. ग्लूकोज इज़ अ कार्बोहाइड्रेट. और ये ग्लूकोज में एनर्जी कहाँ से आती है? सो ये जितने भी हमारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं या फूड जो हम कंज्यूम करते हैं इसके अंदर जो एनर्जी कंजर्व करके रखी जाती है दैट इज़ बेसिकली द लाइट एनर्जी. इसके पहले चैप्टर में जो हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस चैप्टर, वो फोटोसिंथेसिस में हमने ये देखा था कि लाइट एनर्जी को कैसे एक प्लांट कैप्चर करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हाउ द प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड. और वो फूड को प्रिपेयर करने के बाद में फूड को यूज़ भी करते हैं और कुछ फूड को स्टोर करके भी रखते हैं. और वो प्लांट्स के ऊपर हम या फिर बाकी के जो एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोर्स, वो उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. वो प्लांट को, प्लांट के पार्ट्स को कंज्यूम करते हैं और उससे जो है एनर्जी जो है उनको मिलती है. सो एनर्जी एक फूड कंज्यूम करने के बाद में पूरा क्या प्रोसेस हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर, एक सेल के अंदर, उसके बारे में हमें डिटेल में देखना है रेस्पिरेशन चैप्टर. लेट्स सी कि कोई पर्सन फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, फूड जो है बॉडी के अंदर जाएगा, इसका डाइजेशन होगा. डाइजेशन होने के बाद में ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड इज कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म. और जब ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा सो ये सिंपलर फॉर्म हम लेट अस से कि कॉम्प्लेक्स फूड हमारा कार्बोहाइड्रेट था, ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में. और ये ग्लूकोज का जो एक कंप्लीट जब ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पर, सो ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने के बाद में जो है यहाँ पे एनर्जी मिलती है. सो एनर्जी यहाँ पे किस फॉर्म में डिराइव होगी? सो हमारा जो सेल होता है, सेल के अंदर जब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, सो ऑक्सीडेशन होने के बाद में जो एनर्जी हमें यहाँ पर मिल रही है वो एनर्जी हमें दो फॉर्म में मिलती है. एक तो एनर्जी को कन्वर्ट कर लिया जाता है यूजेबल फॉर्म में, दैट इज ATP, और दूसरा हीट फॉर्म में. जो ATP फॉर्म में एनर्जी यहाँ पे हमें मिलती है वो टोटल एनर्जी का 40% होती है और बाकी की 60% एनर्जी जो होती है वो हीट फॉर्म में रिलीज हो जाती है, जो कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यूज़ में आती है. अभी यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स फूड है या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट भी बोल सकते हैं. इट इज़ द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. अभी रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट हमारा क्या क्या हो सकते हैं? सो इसमें सबसे पहले हमने देखा कि इट कैन बी कार्बोहाइड्रेट. और रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट कैन ऑल्सो बी प्रोटीन्स और इट कैन बी फैट्स. जो फैटी एसिड्स होते हैं, फैट्स हमारे रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट हो सकते हैं. ये चैप्टर में हम कार्बोहाइड्रेट को लेकर के पढ़ेंगे, कैसे कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैसे उससे एनर्जी जो है डिराइव होती है. अभी यहाँ पे जो ATP मॉलिक्यूल है, ये ATP मॉलिक्यूल के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. लेट अस कंसीडर कि ये एक सेल है. अभी ये एक सेल के अंदर इसका ये न्यूक्लियस है. सेल के अंदर ग्लूकोज जो है एंट्री करेगा. अभी ग्लूकोज कहाँ से आ रहा है? सेल के अंदर हमारे बॉडी के जो सेल्स है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर अवर मसल्स. अगर हमारे मसल्स को काम करना है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव टू रन,
या फिर आपके हैंड का मूवमेंट करना है, आपने कहीं पे जिम ज्वाइन किया हैंड का मूवमेंट करना है वहाँ पे, सो उसके लिए हमारे मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है। मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। अभी मसल को एनर्जी कौन से फॉर्म में मिलनी चाहिए? एटीपी के फॉर्म में। वो एटीपी कहाँ से आएगा? सो वो एटीपी यहाँ पे सेल के अंदर, हमारे जो मसल्स के सेल होते हैं वो सेल को जब वर्क करना है तो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी चाहिए। सो सेल के अंदर एटीपी चाहिए, मतलब कि जो अपना रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, जो फूड का पार्ट है, वो सेल के अंदर एंट्री करना चाहिए। सो यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर एंट्री कर रहा है, लेकिन ग्लूकोज सेल के अंदर कहाँ से एंट्री करेगा? सो एज वी नो कि हमारा जो ब्लड है एक ट्रांसपोर्ट मीडियम है। सो ग्लूकोज जो है ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जो ब्लड है वो ब्लड पूरे अपने बॉडी के सेल्स को सप्लाई करता है फूड का, ग्लूकोज सप्लाई करेगा। अभी ब्लड में ग्लूकोज कहाँ से आया? सो ब्लड में ग्लूकोज आता है जब हम फूड को इंजेस्ट करते हैं, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहाँ पर जाकर के वो डाइजेस्ट होगा, फिर डाइजेस्टेड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होने के बाद में वो हमारे ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाने के बाद में पूरे बॉडी में उसको सर्कुलेट किया जाता है, सर्कुलेट करने के बाद में जो है वो हमारे सेल के अंदर एंट्री करेगा। अभी यहाँ पे ग्लूकोज अगर सेल के अंदर गया सो ग्लूकोज का क्या होगा? सो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, और जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। आगे हम ये भी देखेंगे कि रेस्पिरेशन जो है दो टाइप का होता है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल वी ह्यूमंस रेस्पायर, हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो वो ऑक्सीजन कहाँ पर जाता है? हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर जाते हैं, और बॉडी के सेल्स के अंदर वो ऑक्सीजन कहाँ पर जाएगा, कहाँ पे उसका यूज होगा, वो हम डिटेल में आगे देखेंगे। हम ये चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस में कैसे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, और यहाँ पे ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होगा सो एट द एंड वी विल गेट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट। ये पाइरुवेट का हमें दो मॉलिक्यूल मिलेगा। अब ये जो पाइरुवेट होता है ना, ये पूरा प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है ग्लाइकोलाइसिस का? दिस प्रोसेस इज द ग्लाइकोलाइसिस। ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है? सो दिस प्रोसेस इज अकरिंग इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है। साइटोप्लाज्म में इसका ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद में ग्लूकोज ब्रेकडाउन ब्रेक हो गया दो मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट में। अब ये जो पाइरुवेट होता है ये एंट्री करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। पाइरुवेट मॉलिक्यूल जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है? ऑलरेडी हमने इसके पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल में पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज वन ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन द सेल। इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। सो पाइरुवेट जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री करेगा, पाइरुवेट का एसिटिलेशन होगा, एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोए फ्रॉम द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है क्रेप्स साइकिल होता है, क्रेप्स साइकिल में जो है एसिटिल कोए एंट्री करेगा, और उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है एसिटिल कोए का, और हमें यहाँ पे रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल NADH2, FADH2। सो ये पूरे प्रोसेस में जब कम्प्लीटली ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस होगा, तो यहाँ पे हमें सबस्ट्रेट लेवल पे कुछ ATPs मिलेगा, NADH2 मिलेगा। जब पाइरुवेट का एसिटिलेशन होगा वहाँ पे भी हमें NADH2 मिलेगा। क्रेब्स साइकिल में भी हमें रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स लाइक NADH2, FADH2, NATP मिलेगा। ये पूरे प्रोसेस में हम ये देखेंगे कि सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन होने से, मतलब डायरेक्ट हमें जो ATP मिलता है वो चार ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल नंबर ऑफ ATPs जो हमें मिलना चाहिए ग्लूकोज से, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से, वो 38 है। बाकी के 38 ATP मॉलिक्यूल्स कैसे मिलते हैं वो हम आगे डिटेल में देखेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एक लास्ट का जो पार्ट होता है टर्मिनल ऑक्सीडेशन, जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन बोलते हैं, वो कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है इसके अंदर ऑपरेट होगा, और कैसे NADH2 एंड FADH2 का ऑक्सीडेशन होगा, और फिर उससे कैसे हम एनर्जी डिराइव करेंगे। सो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर बेसिकली डिटेल में हम क्या देखने वाले हैं कि इसके अंदर हम ये देखेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड टर्मिनल ऑक्सीडेशन, ये तीन एरोबिक रेस्पिरेशन में हम डिटेल में देखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, उसके बाद में
क्रेप्स साइकिल क्या होता है, थर्ड हम देखेंगे कि टर्मिनल ऑक्सीडेशन क्या होता है। इसके पहले हमने अभी डिस्कस किया कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होगा, सो सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। क्रेप्स साइकिल कहाँ पर होता है, सो इट अकर्स इन दी माइटोकॉन्ड्रियल, इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसके बाद में टर्मिनल ऑक्सीडेशन हम देखेंगे कि इट अकर्स ऑन दी F1 पार्टिकल्स, और इसी को हम ऑक्सीजोम्स बोलते हैं। ऑक्सीजोम्स या फिर F1 पार्टिकल क्या होगा, जब ये चैप्टर में हम अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है। एक सेल के अंदर यहाँ पे जो हमने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखा, ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल स्ट्रक्चर है जिसमें हम देख सकते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ है, स्ट्रेच्ड है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन को अगर हम देखते हैं तो इनर मेम्ब्रेन में हमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं जिसको हम क्रिस्टे बोलते हैं। अब ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के ऊपर एक और बॉडी प्रेजेंट होती है जिसको हम F1 पार्टिकल्स या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल या फिर ऑक्सीजोम्स बोलते हैं। ये ऑक्सीजोम्स जो होते हैं वहीं पर जो है टर्मिनल ऑक्सीडेशन होगा, वहीं पे जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पर उसके बारे में ये चैप्टर में हम डिटेल में देखेंगे। ये चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन में हम ये देखेंगे कि इसमें ऑक्सीजन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है कि एक सेल के अंदर जब एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है सो ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जब यहाँ पर ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है सो एट द एंड ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन वी गेट 38 ATP मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे हमें 38 ATP मॉलिक्यूल्स जो मिलते हैं, बट वी विल सी इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन दैट वी गेट ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे हमें सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स जो है मिलेंगे। अनएरोबिक रेस्पिरेशन किसके केस में होगा, सो ये कुछ अनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंजाई लाइक ईस्ट, वो जो होते हैं अनएरोबिकली रेस्पायर करते हैं, और उनके केस में जो है अनएरोबिक रेस्पिरेशन कैरी आउट होगा। सो वहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे वो वहाँ पे अनएरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं एंड हाउ डू दे ऑब्टेन द ATP मॉलिक्यूल फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट लाइक ग्लूकोज एंड देयर आर सम अदर रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट फ्रॉम देम ऑल्सो। सो वहाँ पर हम ये देखेंगे कि वहाँ पे सिर्फ दो ही ATP मॉलिक्यूल मिल रहा है, कैसे सिर्फ दो मिलता है, सो अनएरोबिक रेस्पिरेशन इज नॉट दैट एफिशिएंट, इट इज लेस एफिशिएंट एज कम्पेयर टू द एरोबिक रेस्पिरेशन। इसको हम मोर एफिशिएंट क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स मिल रहा है। सो ये चैप्टर में इतने सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, इसमें हम ग्लाइकोलिसिस के बारे में डिटेल में देखेंगे, क्रेप्स साइकिल के बारे में डिटेल में देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा, टर्मिनल ऑक्सीडेशन के बारे में हम डिटेल में देखेंगे, और ये चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक है एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो पूरा जो रेस्पिरेशन चैप्टर है, एक कंप्लीट रेस्पिरेशन चैप्टर जो है, इट इज़ फोकस्ड कम्प्लीटली और इट इज़ मोर फोकस्ड ऑन ग्लाइकोलिसिस, क्रेप्स साइकिल एंड टर्मिनल ऑक्सीडेशन। यही तीनों टॉपिक से जो है ज़्यादा क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आपको मिलेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन के ऊपर भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ सकता है। सो ये पूरे चैप्टर में हमें ये देखना है। अगर आपको पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे एप्लीकेशन या वेबसाइट पे जा सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और आपको ऐसे ही सभी चैप्टर्स के समरी पढ़ना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।